हम सब ये बात जानते हैं कि करिश्मा सिंह कोई भी काम बेमतलब या बेवजह कभी नहीं करती है। शाम फैक्ट्री में जरूर उन्हें कुछ ऐसा मिला होगा जिसकी वजह से उन्हें यकीन है कि वहाँ कुछ गड़बड़ है। वो क्या है हमें पता लगाना है। श्याम कुमार एक करप्ट और लालची इंसान है, ये हम जानते हैं, लेकिन प्रूफ कैसे करना है, दैट्स अ प्रॉब्लम। माफ कीजिएगा मैडम सर, मगर कोई और समय होता तो हम जरूर कहते कि आप ही कुछ युक्ति बताइए श्याम कुमार का पर्दाफाश करने के लिए, मगर करिश्मा जी इस मामले के हल के बहुत करीब पहुंच चुकी थी, तो हमें लगता है कि उनके नजरिए से इस केस को देखना चाहिए, उनके नजरिए से सोचना चाहिए कि अगर करिश्मा मैडम यहाँ होती तो वो कैसे सोचती। करिश्मा मैडम कैसे सोचती? मार कुटाई, हिंसा, वायलेंस, करिश्मा मैडम का नजरिया तो यही होता है। अम्मा का टोपा होगा, ऐसी मार मारेंगे ना कि जब भी मुंह खोलोगे एक ही बात बोलोगे कि दरोगा जी देखे तो बहुत मगर तुम सा ना देखा। ऐसा रॉकेट लगाएंगे ना तुम्हारे पिछवाड़े में कि सीधा जाके यमराज के दरबार में गिरोगे, समझ रहे हो बात को? काइंड ऑफ। कितना मिस कर रहे हम ये पंक्तियां करिश्मा जी के मुंह से सुनने के लिए। मीरा जी अगर सोचिए कि यही मैडम सर होते तो। मैडम सर यही है। हाँ 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 यही है, लेकिन सोचिए अगर मीरा जी बताती तो कैसे बताती, है ना? सोचने वाली बात है ना। तजुर्बा कहता है हमारा कि पानी की खासियत यही है कि वो जिसके साथ मिल जाता है उसी के रंग में ढल जाता है। तो इस केस में हमें भी पानी की तरह बनना है कि उस जहरीले पानी में इस तरह घुल जाए कि जहर का जहर और पानी का फर्क ही खत्म हो जाए, तभी हम उस जहर को खत्म कर पाएंगे। ब्रिलियंट, ब्रिलियंट मीरा, ये तुमने बहुत ही कमाल का आइडिया दिया है। आइडिया तो आप ही का है मैडम सर, मैंने बस आपको कॉपी किया है। आई एम श्योर अगर आप सोचती तो कुछ ऐसा ही सोचती। बधाई हो, बधाई हो, थाने में और एक तजुर्बा। अरे रे, तुम कब बिलबिला रहा रे, टकले नर पिसाचो का आखिरी बंसज है क्या? तुमको समझ में भी आया कि मैडम सर का क्या आइडिया है, क्या प्लान है? मीरा तुमने बिल्कुल सही कहा है, अब पानी बनकर ही पता लगाना होगा कि पानी में जहर कितना है, और अब हम यही करेंगे, और ये काम करोगी तुम। शाम की फैक्ट्री में वर्कर बनकर जाओगी और पता लगाओगी इंटरनली कि वहां क्या धांधली चल रही है, क्लियर? मैडम सर, हम भी जाएंगे मीरा मैडम के साथ। पुष्पा जी आप नहीं जा सकती, आप करिश्मा सिंह के साथ हॉस्पिटल में रहिए। नहीं मैडम सर, हमारा उस कमीने तक पहुंचना बहुत जरूरी है। जब तक हम खुद उसे पकड़कर हमारी बहू की इस हालत का बदला नहीं ले लेंगे, उसके टुकड़े टुकड़े करके उसे छिटना नहीं देंगे ना, अन्न जल हलक से नहीं उतरेगा मैडम सर। देखिए पुष्पा जी, हम आपका दर्द बहुत अच्छे से समझते हैं, लेकिन आप जानती हैं कि वहाँ की हवा ही जहरीली है। करिश्मा सिंह की हालत देखिए, हमारी हालत आपको याद है ना? आपको सच में लगता है कि हम आपको भेजने का जोखिम उठाएंगे? पुष्पा जी प्लीज, हम आपको परमिशन नहीं दे सकते। मैडम सर, मैडम सर ये इस तरह वहाँ जा सकती हैं अपना मुंह ढक कर। केमिकल फैक्ट्रीज में आमतौर पर लोग अपना मुंह इसी तरह से ढक कर रखते हैं, इस तरह से इनकी आइडेंटिटी भी कंसील्ड रहेगी और उस जहरीली हवा से भी ये बचकर रहेंगी। वाओ मीरा जी, तू सीक्रेट हो। ये क्या था? पंजाबी? ओ मीरा जी आप पंजाबी नहीं जानते? और मैं आपको पंजाबी सिखा दूंगा। एक हाथ है वो ऐसा मुंह पे रखो ये, और ये ऐसा करो जी। राम राम माय बाप, कैसन बा? राम राम, हाँ बोलो क्या बात है? दिहाड़ी कमाने आई रहे, अब हमको काम मिलेगा का? अरे काम कर पाओगे तुम लोग? हाँ हाँ, बचपन से हम मजदूरी तो करते आए रहे हम, और ये हमारी बहू रानी है मन्नू। सत श्री अकाल जी। कमाल है, सास बिहारन और बहू पंजाबन। ओ वड्डी लंबी कहानी है जी, हुन सुनावांगे ना तो साड़ी दिहाड़ी मारी जाएगी, असी ना तेनू आराम नाल बैठ के सुनावांगे। क्या कर रही है? एक ठो मिनट सरकार, एक ठो मिनट। बहुरिया जरा क्या कर रही हो तुम? बिल्लू जी ने सिखाया है। इस बिल्लू को तो हम वापस थाने जाकर देख लेंगे, और तुम ये याद रखना हम यहाँ दिहाड़ी मजदूर बनकर आए हैं, किसी की बारात में नहीं आए जो इतनी इठला रही हो, समझ गई? अरे तुम लोगों को काम करना है या नहीं करना है? हाँ सरकार, हमको काम करना है। देखो नहीं, मैं आपकी सीनियर हूँ, ऑर्डर मैं दूंगी,
आप उधर जाइए, मैं इधर जाऊंगी। अरे हमने भी तो वही कहा ना। पर सीनियर मैं हूँ, ऑर्डर मैं दूंगी। आप उधर जाइए, मैं इधर जाऊंगी। हाँ जाइए जाइए। हाँ चीते बोलो। हाँ पुष्पा जी सही जा रहे हैं ना? ना ना एकदम एकदम, कुछ सोचने की जरूरत नहीं, एकदम सही दिशा में जा रही हैं आप। एकदम नाक कसीद में आगे बढ़ते रहिए। हाँ हाँ जा रहे जा रहे। एक सेकंड पुष्पा जी रुकिए रुकिए, अभी आगे ना दो कदम पर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक मोड़ है। तो क्या करें अब, हम तो बंदूक भी नहीं लेकर आए हमारे साथ। करना क्या है पुष्पा जी, कुछ मत कीजिए, मोड़ छोड़कर ना आगे निकल जाइए। जिंदगी में ऐसा बहुत ही ज्यादा खतरनाक मोड़ आएगा, हम लोग को आगे बढ़ते रहना चाहिए। चीते सही सही बताओ ना क्या करना है हमें। मत करो आप, ठीक है? नहीं नहीं सीधा एकदम चलते रहिए, सीधा एकदम। हेलो पुष्पा जी कहाँ गई? पुष्पा जी सॉरी, वो प्लम्बर से बात कर रही थी, इम्पोर्टेंट कॉल चल रहा था। हाँ अभी आप राइट साइड में सीधा चलते रहिए। हाँ 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 जा रहे जा रहे। करिश्मा मैडम, मैडम उठिए ना, मुझे बहुत याद आ रहे हैं वो थप्पड़ जो आपने जम जम कर कस कस कर लगाए। आपको पता है आज तक उसका टोटल कितना हुआ है? 3485। इक्का दुक्का ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी लमसम राउंड फिगर इतना ही है। और जो आपने पिछवाड़े लात लगाई थी वो तो मैंने हिसाब में लगाया नहीं, पीछे का क्या हिसाब रखना। करिश्मा मैडम आप टेंशन मत लेना, मैडम सर ने मीरा जी को वहाँ शाम की फैक्ट्री में भेजा है और पुंगी बजा देंगे वो। देखो आपने जो लड़ाई शुरू की है ना वो मीरा जी खत्म कर देगी, और वहां का आंखों देखा हाल मैं आपको बताऊंगा। एक मिनट, ये निकलना, फोन उठा रहे। हाँ चीते, करिश्मा मैडम को वहां का आंखों देखा हाल बताना है। बता मीरा जी क्या कर रही है अभी? केबिन में घुस गई है शाम की फैक्ट्री में। हाँ आगे, अच्छा स्कैनिंग कर रही है। ये कान खजूरा शाम तो गया। करिश्मा मैडम उठी है ना, आपको भोकाल दिखाई, कट्टर लगाई, ये संतु भी चीते से कम नहीं है, न जाने कहां भेज रही है हमें। हाँ हाँ लेफ्ट लीजिए लेफ्ट लीजिए, राइट 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 राइट, जी 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 बिल्कुल सही। पुष्पा जी राइट साइड दरवाजे में जाइए, पुष्पा जी राइट साइड दरवाजे में जाइए। अरे जल्दी कर, मैडम। हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह। चीते शायद पुष्पा जी फंस गई है। कहाँ? गजब संतु जी, अब क्या करें? अब रुक जा, पुष्पा जी को फोन करती हूँ। नहीं नहीं देखो, हमें पकड़ने के बारे में सोचना भी मत, वरना बहुत पछताओगी, चेता रहे तुमको। अरे महिला पुलिस वालियां हैं, जहां पर नहीं घुसनी चाहिए वहां पे भी घुसते। आखिरी बार बता रहे हैं तुमको,
कि हमारी फैक्ट्री और हमारा धंधा, ये दोनों के बारे में सोचना बंद कर दो, वरना ना रहेगी नौकरी ना रहेगी ये वर्दी, और वर्दी नहीं रहेगी तो अक्कड़ तो वैसे ही चली जाएगी। ये पकड़ो रे इसे। तुम्हारी वजह से हमारी बहू रानी हॉस्पिटल के बेड पर जिंदगी से लड़ रही है। अरे सिर्फ हमारी बहू रानी है क्या, तुम्हारी इस फैक्ट्री की जहरीली हवा की वजह से कितने सारे लोग अपनी जिंदगी से लड़ रहे हैं, लड़ रहे होंगे। तुम जैसे लोगों को हम तो क्या भगवान भी माफ नहीं कर सकते, समझ गए ना। तुम्हारा सर कुचलना तो अब हमारा धर्म है। नहीं छोड़ेंगे तुमको हम, नहीं छोड़ेंगे। छोड़ो हमें। मीरा मैडम आप ही है ना? यस। अच्छा तो ये भी आ गई। अरे अब तो ये तुम्हारी मौत आ गई, समझ गए ना, अब ये तुमको देगी सजा। मीरा मैडम बजाइए सबका बैंड, बजाइए। मीरा मैडम मारिए सबको। अब देखना बेटा कैसे उठा उठा कर पटकती है और पटक पटक कर धोती है तुम सबको। इनकी डिक्शनरी में ना दया रहम ऐसा कोई शब्द है ही नहीं। ऐसी खतरनाक मशीन जैसी इंसान है हम, ऐसे आ रहे थे हम। मीरा मैडम मारिए, अब देखना वो कैसी हालत कर देती है तुम लोगों की। हीरोइन के आने से पहले तो बहुत सारे डायलॉग बाजी की है। अरे तो बोलो कुछ करने को, वरना हम करके दिखाते हैं। मारिए मीरा जी, मारिए मीरा मैडम मारिए। अरे मारिए, ये तो भाग गई। भाग, चल फटाफट। अरे भागी वो, पकड़ो उसे, पकड़। चलो। अरे पीछे से कहां से आए हम? चलो पुष्पा जी जल्दी चलो। चलो। रुको। मीरा मैडम मिल गई। हाँ, दिख रहा है पुष्पा जी। मैडम सर, ये फैक्ट्री के पाइप से लिया गया धुआं है और इसमें वो सभी पार्टिकल्स मौजूद हैं जो इंसानी जीवन के लिए बहुत खतरनाक हैं। ये एविडेंस इनफ है मैडम, ये प्रूव करने के लिए कि करिश्मा मैडम सही कह रही थी और उस प्लास्टिक फैक्ट्री को जल्द से जल्द बंद होना चाहिए। एग्जैक्टली। अब हम ये साबित करके दिखाएंगे कि करिश्मा सिंह की जो हालत हुई है वो इस जहरीले धुएं की वजह से हुई है। राइट मैडम, अब हमारा नेक्स्ट मूव क्या होगा, अब हमें आगे क्या एक्शन लेना है? अब हमें उनका सच एक्सपोज करना होगा। शाम की प्लास्टिक फैक्ट्री में जहरीले पदार्थ बनते हैं और एक इलीगल सीक्रेट पाइप के जरिए उन्हें रिलीज किया जाता है। ये सच अब हम पूरी दुनिया के सामने लाएंगे। मैडम सर, अभी अस्पताल से खबर मिली है कि करिश्मा जी की उंगली में हरकत हुई है। क्या? ओह थैंक गॉड, ये बहुत अच्छी खबर है पुष्पा जी, इसका मतलब वो बहुत फास्ट रिकवर कर रही है। जी मैडम सर। गुड, पुष्पा जी आप बहुत सही समय पर यह खबर लेकर आई हैं, क्योंकि अब हम जा रहे हैं श्याम कुमार की फैक्ट्री पर ताला लगाने और उसे गिरफ्तार करने।
जब तक हम उसे पकड़कर करिश्मा सिंह के सामने खड़ा नहीं कर देते हमें सुकून नहीं मिलेगा। चलिए आइए आइए इधर आइए। अरे यही तो रहा ये। अरे ये कहा क्या? ये क्या तरीका है मैडम इस तरह लाने का? ये क्या ना कुछ भी तो नहीं है। मीरा ये सब क्या है? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। यहीं पे था मैडम सर। हाँ और उसी पाइप से मैडम सर काला धुआं भी निकल रहा था। लगता है ये सब कुछ ना इसी ने ठीक किया होगा। अरे क्या बात कर रही हैं आप हा? मैडम यहाँ पर कोई भी काम गैर कानूनी नहीं होता। जो भी होता है कानून के दायरे में होता है, एज पर रूल्स रेगुलेशंस। आप तो बस सैनिटाइजर से हाथ धोकर पीछे पड़ गई हैं। हमने आपसे कहा था ना, ये जो हमारा फैक्ट्री है ना मैडम, उसे कोई बंद नहीं करवा सकता। और इस बार आप बहुत गलत आदमी से पंगा ले चुकी हैं। ये श्याम कुमार की फैक्ट्री है मैडम, आपका पुलिस थाना नहीं। जो आज है कल नहीं रहेगा। थाने तो आते जाते रहेंगे मैडम, लेकिन हम हैं और हम रहेंगे। और हमारी ये फैक्ट्री कोई भी बंद नहीं करवा सकता। करिश्मा मैडम हार गई मैडम सर। पुष्पा जी सच विचलित हो सकता है, परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं हो सकता। करिश्मा सिंह को हम हारने नहीं देंगे। हम पर भरोसा है ना? खुद से भी ज्यादा। तो बस फिर कुछ हलचल हुई? नहीं पुष्पा जी, कहाँ कुछ हलचल हुआ। लेकिन हम ना शिव भगवान से पूजा कर कर आए हैं कि अपनी करिश्मा मैडम एकदम जल्दी ठीक हो जाएंगी। हमारी ये कोशिश असफल रही बेटा। वो श्याम कुमार जरूरत से ज्यादा चालाक निकला। जहाँ से वो फैक्ट्री का जहरीला धुआं हवा में मिलता था, वो पाइप ही उसने सील करवा दी। बच गया नालायक। फिलहाल तो हमारे पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। पुष्पा जी क्या कर रही हैं आप? मगर आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ हम उसे छोड़ेंगे नहीं। जब तक उसे उसके किए की सजा नहीं दिलवा देते ना, हमें बिल्कुल चैन नहीं मिलेगा। आप चिंता मत कीजिए। गुड गुड पुष्पा जी, दैट द स्पिरिट। बैड न्यूज बिल्कुल नहीं, गुड न्यूज ओनली। और दुखड़ा नहीं रोते बीमार के सर पर ऐसे बैठ के। करिश्मा मैडम देखिए, मैंने आपके लिए नारियल पानी लाया है, उठिए ना। चलो बहुत हो गया रेस्ट, आपको तो अभी पोल्यूटेड एयर को रेस्ट एंड पीस करना है ना। क्या पोल्यूटेड एयर रेस्ट एंड पीस? पुष्पा जी एनी प्रोग्रेस? ये सब क्या है? ये इतने सारे फ्रूट्स बिस्किट यहाँ दुकान किसने लगाई? अब वो मैडम से मीरा मैडम लेकर आई है। मीरा? जब भी एक इंसान दूसरे बीमार इंसान से मिलने जाता है तो उसके लिए बिस्किट्स और फ्रूट्स लेके जाता है। पर मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ मैडम सर कि बेहोश इंसान इन्हें कैसे खा सकता है, ये तो उसके रिश्तेदार ही खा जाते हैं। ए बिलोटे रख उधर रख उसको। एक काम कीजिए, ये जितना भी सामान है सब लेकर बाहर जाइए और किसी जरूरतमंद को दे दीजिए। ओके मैडम सर। मीरा जी आई कैन हेल्प यू? नो। मीरा जी आई कैन श्योर। थैंक यू मीरा जी। करिश्मा सिंह का होश में आना बहुत जरूरी है। हाँ मैडम सर, हम सब लोग भी यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी करिश्मा मैडम होश में आ जाए। नहीं आपको पता नहीं है, इनको होश में लाने के लिए तब से ना हम सब लोग ऐसे उठपटांग हरकत कर रहे हैं, जो कर रहे हैं कि कभी तो मैडम को गुस्सा आए, उठ के गरिया दे, थप्पड़ मारे, कुछ भी करे, लेकिन
होश में आ जाए बस मैडम सर। करिश्मा सिंह उठिए, हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं और ये केस हम आपके बिना सॉल्व नहीं कर पाएंगे, प्लीज उठ जाइए। 23 पेशेंट। क्या? अभी जब मैं फ्रूट्स और बिस्किट्स बांटने गई तो इस हॉस्पिटल में 23 ऐसे पेशेंट्स मिले जो कि सेम प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट करा रहे हैं जिसे करिश्मा मैडम फेस कर रही हैं। ब्रीदिंग प्रॉब्लम, सांस लेने में तकलीफ, उसमें से 12 बच्चे, 8 महिलाएं और 3 सीनियर सिटीजन्स हैं जिनको यही समस्या है जो करिश्मा मैडम को है। ये अच्छी खबर है। ये जितने भी लोग हैं, इन जितने भी पेशेंट्स हैं, उन सब की रिपोर्ट निकालिए। हमें पूरा यकीन है कि ये सब भी उद्योग नगर में रहने वाले, शाम फैक्ट्री के एरिया के आसपास रहने वाले लोग ही हैं और उस फैक्ट्री से निकलने वाले केमिकल वेस्ट की वजह से इन सब की तबीयत खराब हुई। अगर हम ये बात साबित कर सकते हैं तो हम श्याम कुमार के खिलाफ एक बहुत ही पुख्ता और मजबूत केस बना सकते हैं। यह टू वर्क मीरा, हमारे पास काम बहुत ज्यादा और वक्त बहुत कम। ओके मैडम सर। सुना आपने? सुना करिश्मा सिंह, हम आपसे वादा करते हैं बहुत जल्द ये श्याम कुमार की फैक्ट्री पर ताला होगा और वो खुद जेल के अंदर है।